मदीने में नाकामियां नाकामियां होती हैं, नाकामियां होती हैं, नाकाम मदीने में नाकामियां होती हैं, नाकाम मदीने में। और फिर क्यों ना वहीं जाकर हम लोग कहें नाते सुनते शायर इतनी दूर से आए हैं पिंडी से, सज्जाद मियां बैठे, शेर इनके लिए पढ़ता हूँ। नाकामियां होती हैं नाकाम, और शायर को मुकर्रर को शायर तो खाए मैंने, आप तो मंसूर खा हो, आप दूसरों का कलाम पढ़ रहे हैं। आपने अपने अपने में से पढ़ दिया आपने? नहीं नहीं, वो अपने तो अपने शायर की बात हो रही है। मिलता है किसे पहले नाम, शायर का एक बराए रास्त मौला से ताल्लुक है, तो इनका अदब हम सब पर वाजिब है। भाई मैंने दो तीन शेर ऐसे पढ़ दिए, मैंने तहिया किया था कि बीबी का जिक्र हो रहा है तो बीबी का ही जिक्र होगा। भाई बैठ जाइए, अगर बैठ सकते हैं तो, ताकि पीछे वालों को मैं देख सकूं। बस बिल्कुल ख़त्म हो गई महफिल, बहुत देर मैंने पढ़ा, बहुत देर आपने सुना। मैं हाथ जोड़कर शहजादी के दरबार में आप सबके लिए दुआ गो हूँ। मालिक किसी गैर का मोहताज ना होने, इन अदादारों को, इन वफादारों को, इन खुददारों को बीबी किसी गैर का मोहताज ना हो। इस जिक्र के सदके अपने भाइयों के, अपने अजदाद के जिक्र के सदके इन अदादारों की तमाम मुश्किलात परेशानियों को दूर करें। अली मौला बोलो 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 साईं सरवर कलम
मलिक असद अब्बास साहब को हम अपनी इस बस में खुश आमदीद कहते हैं। मौला के अज़ादार, मातमदार, खिदमतगार, जव्वार और हमारे बड़े भाई जनाब मलिक असद अब्बास साहब इस जश्न में तशरीफ़ लाए हैं। बहुत दिनों के बाद पाकिस्तान पलटे हैं। हमने इनसे गुजारिश की थी कि मुलाकात भी होगी और बीबी की बारगाह में सिद्दत सलाम भी होगा, तो बड़ी मोहब्बत में मलिक साहब की मौला सलामत रखें। आइए और मोहम्मद वाले मोहम्मद मातमी आबाद रहे मालिक, कोई गम ना होने दे सिवाय गमे हुसैन मजलूम के। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाह भाई, मैं हमेशा ये बात कहा करता हूँ कि ये मद्दाही बहुत बहुत आला बुलंद मकाम रखती है, ये शायरी, ये जाकरी, ये मिंबर से मुंसलिक होना। लेकिन अगर मौला मेरा शुमार अब किसी एक मातमी में कर दे तो मेरे लिए भाई से शरफ होगा। तो मैं इन मातमियों का नौकर हूँ, आप मातमियों का नौकर हूँ। मलिक साहब, मौला आपको सलामत रखें। ये कुछ लोग हैं जो मातम के लिए ही बनाए गए हैं, मातम के लिए ही पैदा होते हैं। बहुत सारे हैं, उसमें से एक ये भी हैं। बात ये कि जब हमने होश संभाला, जब आज़ादारी की तरफ